नमस्ते दोस्तों, आज हम बिना प्याज और लहसुन से बने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये पूरी रोटी पराठा सबके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला के लिए एक कढ़ाई गैस में बिठा दिया। अब सूखी कढ़ाई में 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून खसखस, थोड़ा सा दालचीनी, 3-4 लौंग, 2 इलायची बीच से तोड़ के डाल दिया और 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दिया। इस टाइम गैस का फ्लेम एकदम धीमा रख के सब मसाला को धीरे धीरे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही सुंदर खुशबू निकल आए तब ये मसाला को ठंडा कर लेंगे, फिर पीसना पड़ेगा बाद में। आप फूलगोभी को तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ फूलगोभी ले लिया, उसको अच्छे से धो लिया और 4 आलू को छोटा छोटा पीस में काट के पहले से ही एक सीटी लगा के रख दिया। अब कढ़ाई में 4 टीस्पून सरसों का ऑयल दिया। जैसे ही तेल गर्म हो जाए पहले फूलगोभी को थोड़ा सा नमक लगा दिया था, धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई में रख के बाकी गोभी को भी अच्छे से धीरे धीरे फ्राई करना है। आप गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर देंगे और ढक्कन ला के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। बाकी जो मैं सूखी कढ़ाई में मसाला फ्राई करके रखे थे वो अभी ठंडा हो गया है। उसके साथ चाहिए 3 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा किशमिश, और चाहिए 1/2 कप दही। आप ये मसाला को एक साथ पीस लेंगे और पीसते टाइम थोड़ा सा पानी देंगे। आप फूलगोभी को देख लेते हैं। तो इधर फूलगोभी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको अभी धीरे धीरे दूसरा प्लेट में शिफ्ट करना है। आप उसी कढ़ाई में और 2 टीस्पून सरसों का ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जीरा दिया, 2 तेज़पत्ता दे दिया और 1 टीस्पून घी ऐड किया। जैसे घी मेल्ट हो जाए और मसाला से सुंदर खुशबू निकल आए तब पीसी हुई मसाले को डाल दिया, थोड़ा सा नमक दिया, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर ऐड किया और चीनी दिया। अच्छे से सब मसाला को गैस का फ्लेम मीडियम में रख के मिक्स करके 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दे दिया। अच्छे से मिक्स कर दिया पूरे मसाले को, फिर ढक्कन ला के गैस का फ्लेम एकदम सिम कर देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, तो 10 मिनट बाद मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और कलर भी कितना सुंदर आया है। अब धीरे धीरे उबला हुआ आलू को मसाले के साथ मिक्स करना है। आलू और मसाला जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तब फ्राइड फूलगोभी को धीरे धीरे आलू के ऊपर डालना है। आप आलू और गोभी को पूरी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद 1 ग्लास पानी मिक्सी जार धो के मैं डाल दिया। उबल जैसे ही आ जाए कढ़ाई में तब ढक्कन ला के कुछ देर रख देंगे। 10-15 मिनट बाद ढक्कन खोल के देखेंगे, अच्छे से आलू गोभी मिक्स हो गया है और उससे भी बहुत सुंदर खुशबू निकल आ रहा है। तो उसके ऊपर 2 हरी मिर्ची डाल दिया, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया दे दिया और 1 टीस्पून घी ऊपर से ऐड कर दिया। फिर अच्छे से मिक्स करना है। ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। आप कुछ देर बाद इसको सर्व कर देंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।